अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बना रही हूँ फिश करी बिना खोपरे वाली और सिंपल तरीके से। तो मैंने तेल, दो माप तेल ली हूँ और दो कांदा ली हूँ, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन इसको सौते कर रही हूँ अच्छे से। अभी वो भून गया तो फिर मैंने टमाटर डाल दी। टमाटर डालने के बाद मेरा ये अच्छे से भून लूँगी जब तक मेरा टमाटर नरम नहीं हो जाता। तो फिर उसके बाद मैंने पापलेट मछली में दो नींबू और एक चम्मच नमक अपने हिसाब से मैंने इसको 20 मिनट पहले भिगो के रख दी थी। मेथी और कड़ी पत्ता, ये भगत सालन जब बनाऊंगी तब मैं भगा दूंगी। अभी अपना ये मसाला अच्छे से भूंज रहा है। भूंज रहे, देखो इतना भूंज रहे कि अपना टमाटर मतलब एक वो हो जाना चाहिए। टमाटर सोते हो गया है और मेरा एकदम मसाला अच्छे से भूंज गया है। अभी मैं इसको उतार के अपनी कढ़ाई रख दूंगी। मैंने अभी तेल गरम करी हूँ, कढ़ाई अरे सॉरी कुकर ठंडा हो गया है तो मैंने इसको मिक्सर के जार में डाल दूँगी। फिर इसको मिक्सर में पीस लूँगी। उसके बाद मैंने गैस चालू कर ली हूँ और मैं गैस चालू करूँगी और अपनी कढ़ाई रखूँगी। मैंने अभी सालन में 3 माप तेल डाली हूँ। अच्छा चालू हो जाएगा तो फिर कड़ी पत्ता और मेथी का दाना ये डाल दूँगी अच्छे से। ये भी भूंज लाल मतलब सोंधापन लाल हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी। तो उसके बाद ये पीसा हुआ मसाला डालूँगी मैं, जब तक मैं पीस के आती हूँ। मैंने मिक्सर में पीस ली हूँ। अभी इसको अच्छे से पूरा पानी के साथ अच्छे से मिक्सर का जार खाली कर लूँगी। आप लोगों को तो अच्छे से पता ही है हर औरत में क्या गुण होते हैं। मैं पानी मिक्सर के जार में पानी डाल के अच्छे से उसको क्लीन कर लेती हैं। पानी मुझे डालना है जितना अपने को बस मसाला भूनना ही है। तो ये मसाला भूंज रही हूँ तो मेरा छीटा गैस के आजू बाजू में छीटे जा रहे, तो मैं सोच रही हूँ उसे ढक्कन लगा दूँ ताकि वो पकते रहे फिर अपना पानी मतलब वो तेल ऊपर आ जाए। जब तक ये अपना मसाला भूंज रहा है तो फिर बाजू के तवे में मैं रख दी हूँ। फिर उसमें तवा इसके लिए रखी, पापलेट मच्छी जो नमक में भिगो के रखी थी नींबू में, तो उसको मैं फ्राई करूँगी। देखिए छीटा आ रहा था तो मैं सोची अभी गैस तो गंदा दिखेगा, पोछते अपना काम करते करते पोछ भी लूँगी। पोछते चली गई अभी। फिर मैंने मेरा छोटा सा किचन है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई भी गलती हो जाएगी, कोई भी मिस्टेक हो तो इसके लिए तहे दिल से माफ़ी है, सॉरी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या गलती है मेरी, मतलब जैसे कुछ एक मिस्टेक हो जाती तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह मैं अपने आप को उसमें फ़र्क लाऊँगी। तो मेरा बाजू का तेल गर्म रख ली हूँ। अब मेरा मसाले का डब्बा आप लोगों को कैसा लगा बताना मुझे। एक मान लो तो तीनों आ जाता है, अच्छा है। जब तक मेरा तेल भी गर्म हो गया अब मैं मच्छी तवे में रख डाल देती हूँ। जब तक ये होता रहेगा तो साइड का मेरा मसाला भुजता भी रहेगा। सो
सोच रही थी कि 5 मच्छी इस तवे में आ जाती, मगर आ नहीं पा रही, तो इसके लिए मैंने एक मच्छी वापस निकाल ली। अभी फटफट इसको फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करना है तो अपने को इस बात पे ध्यान रखना है कि कच्ची पक्की करनी, ज़्यादा पकानी नहीं है। ये जब मच्छी ऐसी है ना कि ज़रा पापड़ मच्छी फूट गई ना तो पूरी बास आने लगती है। आप लोग इस तरीके का बनाओगे ना, खुद ही कहोगे कि मच्छी में ज़रा बास नहीं आई। प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से बनाना। एक चम्मच नमक, क्योंकि मच्छी में अपने पहले से ही नमक था तो इसके लिए मैंने ज़रा सा आधा चम्मच ही नमक डाली हूँ। फिर इसको भूंज रही हूँ, भूंजते भूंजते तेल ऊपर आ गया। अभी इसमें अपना मसाला डालना है। जब मसाला भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची। तो आप लोग ने खुद ही देख लिया मसाला क्या था। वो अपना भूंजने का बोलते ना तरीका वैसा होता, वही भूंजने में ही अपना मसाला होना चाहिए। तेल ऊपर आ गया तो अभी मैं सोची कि इसमें धनिया, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर एक एक डाल दूँ। लाल मिर्ची 1 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, सॉरी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच जाएगी। नमक तो आप लोग अपने हिसाब से डालोगे। प्लीज़ ये वीडियो बनाने की मैं पहली बार, मतलब ये मेरा दूसरा वीडियो है। प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, और कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। और मुझे तो पता है ये वीडियो दूसरी बार तो मिस्टेक तो बहुत आई होगी। अच्छा, मेरा ये मच्छी मेरी फ्राई हो गई, तो मैं इसे देख रही हूँ कि कच्ची पक्की हो गई है, तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। मच्छी में जो नमक और नींबू का पानी था तो खट्टापन लाने के लिए मैंने इसमें भी ये पानी इसमें डाल दी। बहुत से लोग मच्छी के सालन में इमली डालते हैं और एक खोपरा डालते हैं, तो मेरा ये सालन, प्लीज़ मैं कहती हूँ, होता है प्लीज़ प्लीज़ एक बार आप लोग बनाओ तो आप लोग खुद समझ में आएगा कि इसमें इमली नहीं, खोपरा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, लाइट सालन और अच्छा भी है। मैंने हम लोग मतलब मेरे ससुराल में खिचड़ी के साथ, ये सालन के साथ खिचड़ी खाते हैं, तो मैं खिचड़ी बनाई हूँ। बहुत से लोग सादा चावल खाते हैं तो मैंने खिचड़ी बनाई हूँ सालन के साथ। आप लोग भी खिचड़ी बनाओ मूंग की दाल की, बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा गीली नहीं, सुब मीडियम अपने हिसाब, जैसा चावल बनाते वैसी खिचड़ी बनाने की है। अच्छा, मैंने ढक्कन टच इसलिए करी थी क्योंकि मेरा कसूरी मेथी फ्राई हो गई, भूंज गई है, तो उसको अभी सालन में डाल दूँगी। तो वो कसूरी मेथी तवे पे भूनती ना तो जल जाता है, तो कोई भी ढक्कन अपना गर्म रहता है ना उसमें कसूरी मेथी रख दो तो एकदम कुरकुरा और अच्छा होता है। मेरा मसाला भून गया, अभी मैंने उसमें नमक चखी कि बराबर है कि नहीं। नमक तो मच्छी में कम डालोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अपन वो फ्राई करने के टाइम उसमें नमक रहता ही है। तो अभी मुझे उसमें मच्छी डालना था तो मैंने सोची थोड़ा पानी डाल दूँ, क्योंकि मसाला एकदम अच्छा ड्राई हो चुका था। तो अभी मैंने मच्छी का जो तवा, मैंने मच्छी डाल दी हूँ, और जो बाजू में जो तवा था मेरा, मैंने उसमें पानी डाल दी, क्योंकि उसमें मच्छी का पूरा फ्लेवर और बोलते ना मसा पूरा असूंधापन उसमें ही था। तो उसमें मिक्स करके अभी मैं उसमें पानी मच्छी में डाल दूँगी। कसूरी मेथी भी मेरी देखो कितनी कुरकुरी, आप लोग भी ऐसा ट्रिक करना कि ताकि आप लोगों की भी कसूरी मेथी जले नहीं। पेश कढ़ी लगभग तैयार हो गई है मेरी, बस इसको 5 मिनट तो रखना ही है अच्छे से, पानी और मच्छी में इस मसाला मिक्स हो जाए, बस इतने तक अपने को ये फिश रखना है गरम सिलो आँच में। और हाँ, आप लोगों को जितनी क्वांटिटी में चाहिए तो आप लोग अपने हिसाब से डालिए, मुझे तो इतना ही चाहिए था, मेरे हस्बैंड, मेरे हम लोग हमारी फैमिली के हिसाब से।
और छींटे उड़े थे मच्छी फ्राई करने के टाइम, तो किचन कितना गंदा हो जाए आप लोगों को पता है मेरे। तो फिर मैंने उसमें ये गैस साफ़ कर ली, टेबल जब तक मेरा सालन हो रहा जब तक मेरा टेबल वेबल साफ़ कर ली। छोटा सा किचन है ना तो एकदम एडजस्ट करने में ना मतलब और वीडियो बनाने में बहुत वो हो जाता है। तो अच्छा मेरी मैंने खिचड़ी बनाई थी तो मैंने खिचड़ी निकाल दी। आप लोग को जी किस तरीके से पसंद है रोटी से खाना कैसा खाना, मैं हम लोग खिचाइए चावल की रोटी आती है चावल की रोटी और ये इससे किसे खिचड़ी से हम लोग खाते हैं। देखो मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है, कैसे लग रहे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो पसंद आए तो कमेंट करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें अब मेरे वीडियो में अभी आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ा बहुत से बहुत फ़र्क लाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखो मेरी फिश कड़ी तैयार हो गई है, इसको जिसको खाना है प्लीज़ आ जाइए आओ बिस्मिल्लाह करते हैं बाय।